फिर भाजपा, फिर भाजपा की बारी है। हर वर्ग की आवाज है कि ये सरकार हमारी है। चौकीदार अब आया चौकीदार, अपने सपनों को साकार देने सबको अधिकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूँ सुनील राउत। मौसम चुनावी चल रहा है और चुनावी मौसम में आपको चुनावी गाने जरूर सुनने को मिल रहे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चुनावी गाने बनते कैसे हैं, इन्हें बनाता कौन है और ये तैयार कहाँ होते हैं? तो आज हम भोपाल में एक ऐसी ही जगह पर पहुंचे हैं जहाँ पर चुनाव के ये सुरीले गीत तैयार होते हैं। यहीं से चौकीदार निकलता है, यहीं से चौकीदार चोर भी निकलता है और यहीं से कांग्रेस, बीजेपी, बसपा के सुर निकलते हैं। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में राजू राव जी है, जो बहुत टैलेंटेड है। वैसे तो गजलकार है लेकिन म्यूजिक कंपोजर भी है, म्यूजिक कंपोज करते हैं। ये उन्हीं का स्टूडियो है और इसी स्टूडियो से मध्य प्रदेश की सियासत के कई गाने तैयार हुए। साथ ही साथ हमारे साथ निखिल है, जो एक युवा गायक है और इनकी आवाज़ में आपने कई गाने सुने होंगे। वो कौन से गाने हैं, कैसे उन्होंने तैयार किया और क्या ये सब जानेंगे हम। राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। जी राजू जी, ये बताइए सबसे पहले कि जैसे जो पॉलिटिकल सॉन्ग्स आप तैयार करते हैं, राजनीतिक गाने तैयार करते हैं, तो क्या प्रोसेस होता है इसका? सबसे पहले तो लिरिक्स लिखी जाती है, कई बार हम लोग खुद ही बैठ करके लिखते हैं। अच्छा। कई बार लिखी हुई लिरिक्स आती है, बैठ कर फिर उसको बैठ करके कंपोज करते हैं जी, और फिर यहाँ पे पूरा म्यूजिक बनाते हैं, मतलब साउंड प्रोसेसिंग होती है, सारा कुछ होता है जी, तब जाके एक गाना प्रॉपरली निकल करके आता है जी। लेकिन राजू जी, मेरा एक सवाल है, बड़ी ये छोटी जगह है, हम लोग तो समझते थे कि जैसे म्यूज़िक जब सुनते हैं तो उसमें हज़ारों तरह के या सौ सैकड़ों तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं, तो हमें तो लगा था, हम जैसे इमेजिन करते हैं एज ए व्यूअर कि बहुत बड़ा स्टूडियो होगा, वहाँ तबला बजाने वाला होगा, ढोलक वाला अलग होगा, ड्रम वाला अलग होगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा दर्शकों को हमारा समझाए कि कैसे होता है, कैसे कमाल करते हैं आप ये। एक्चुअली क्या है, पहले जो बड़े बड़े स्टूडियोज़ होते थे, बड़े बड़े कंसोल्स होते थे, मिक्सर्स होते थे जी, और उसके साथ साथ एक पूरा रिकॉर्डिंग रूम होता था जिसमें सारे म्यूजिशियंस एक साथ बैठ के करते थे जी। अगर किसी एक से गलती हुई तो सारा फिर रीटेक होता था जी। अभी आजकल वो बहुत बहुत शॉर्ट हो गया है और काफ़ी हद तक वो फाइन भी हो गया। अच्छा। तो जहाँ तक ढोलक और तबला और सारे इंस्ट्रूमेंट्स की बात है, वो पहले ही रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। अच्छा। और कुछ कुछ आजकल सैम्पल्स भी यूज़ करते हैं, सैम्पल साउंड्स भी यूज़ करते हैं, कुछ लूप्स यूज़ करते हैं बने बनाए। तो उससे काफ़ी हद तक क्रांति आई है इस फील्ड में, स्पेशली म्यूजिक अरेंजमेंट में। तो ये मतलब ये जो आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, इसी में सारा स्टूडियो आपका है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं? हाँ जी, एक्चुअली इसमें नहीं है जी। वो मेरी मशीन जो है, कंप्यूटर जो अच्छा, है अच्छा, उसमें सारे जो साउंड्स के खजाना जो है वो उसमें छुपा हुआ है। चलिए राजू जी, आप कोई हमें जो आपने पार्टी के लिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बनाया होगा, वो गीत जरा सुना सकते हैं आप हमारे दर्शकों को? हाँ जी जरूर, मैं सुनाता हूँ। फिर भाजपा की बारी है, हर वर्ग की एक आवाज है कि ये सरकार हमारी है, ये सरकार हमारी है, ये सरकार हमारी है। सबने मन में ठान लिया है, प्रज्ञा को है जिताना है, साध्वी की मूर्त इन्हें जनता ने अपना माना, नई शक्ति क्या होती है मोदी से हमने जाना, इनको वोट देकर हमको अपना फर्ज निभाना, भाजपा को वापस लाना अपनी जिम्मेदारी है। तो देखा आपने कि ये इतनी सी जगह में ये इतना सुरीला और खूबसूरत गाना बनकर तैयार हुआ है, दर्शकों को थोड़ा ताज्जुब ज़रूर हो सकता है, लेकिन एक कमाल जो है ये राजू राव जी का कमाल है। तो राजू राव जी ने ऐसे कई गाने तैयार किए, कई फिल्मों के लिए भी, और आप गज़ल भी बहुत अच्छी गाते हैं, इनसे हम गज़ल सुनेंगे। हमारे साथ एक और युवा कलाकार हैं, निखिल है, निखिल शांतनु नाम से ये दो भाई है और म्यूज़िक देते हैं, एक मराठी फिल्म में भी म्यूज़िक दिया है, कई और फिल्मों के लिए इन्होंने म्यूज़िक किया है, कई गाने भी गाए, म्यूज़िक एल्बम्स भी इनके आए। निखिल, ये बताइए कि आप राजनीतिक दलों के लिए गाते हैं, तो विचारधारा तो एक सबकी होती है, आपकी भी अपनी एक विचारधारा होगी, लेकिन विपरीत विचारधारा के दल के लिए जब आप गाना गाते हैं तो क्या वही जज्बा, वही सुर निकलता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, थैंक यू। काफ़ी बनाते हैं ऐसा
मतलब कहना मुश्किल है, बट एज अ कंपोजर हमको एक टास्क मिलता है, तो एज अ कंपोजर हमारा एक फर्ज होता है, तो जब भी लिरिक्स आती है तो हम प्रॉपर उसको अरेंजमेंट करते हैं, लिरिक्स के अकॉर्डिंग कंपोज करते हैं, शांतनु में निखिल मिलके देखते हैं, सर के पास रिकॉर्ड होता है, तो मतलब ऐसा कुछ रहता नहीं है, एज अ म्यूजिशियन हम हमारा काम करते हैं। अच्छा, मतलब सोल से वही बात निकलती है जो सोल से बात का काम करना होगा, अदरवाइज हमको काम नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ये मजबूरी भी है। अच्छा निखिल, आपने फिल्मों के लिए भी कई गाने गाए हैं, आपसे भी सुनेंगे हम, बहुत अच्छे युवा गायक हैं निखिल, कुछ आप हमारे दर्शकों को सुनाइए जरा, पहले तो आपका तारुफ आपकी आवाज़ से हो जाए, फिर बात आगे होगी। जी जी बिल्कुल, अभी हमने रिसेंटली सखा फिल्म प्रांशु श्रीवास्तव द्वारा डायरेक्ट है उनके लिए काम किया है, दीपक ठाकुर जो बिग बॉस में उनसे गवाया है हमारे मित्र, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। छट गए हैं बदरा सारे, उजाला है हुआ पंख मुझको मिल गए, मैंने आसमां है छुआ, बस उड़ और जियो, अब तो यही है दुआ, आज वो सब मैं करूं जो ना अब तक किया, तू ही हवा तू ही घटा, मंजिलों का पता जो तू ठान ही ले, मुश्किल क्या है बता, तू बेधड़क बेझिझक सपनों की तू सनक, तेरी हदे तय करे तू यहाँ, सुनो सुनो बातों की गहराई, सुनो सुनो शब्दों की शहनाई, सुनो सुनो थोड़ा तो समझो सबको, कितनी तो कह दी तुमने थोड़ी, अब तुम भी सुनो सुनो। क्या बात है, लोग इसको तो ज़रूर सुनेंगे, बहुत खूबसूरत ये गीत है और यकीनन इसको अच्छा रिस्पांस मिल रहा होगा। जी बहुत, ये आपकी आने वाली फिल्म का गीत है। जी सखा फिल्म का है। हाँ। और जैसा कि मैंने बताया प्रांशु जी का डायरेक्शन है। हाँ, हाँ, हाँ। और कुलगौरव शीतल ने लिखा है। हाँ, हाँ। निखिल शांतनु ने बना है। हाँ। सर के पास रिकॉर्ड हुआ है, अरेंज हुआ है। हाँ, हाँ, हाँ। और YouTube पे रिलीज भी है। हाँ, हाँ। अच्छा प्यार मिल रहा है, दीपक ने गाया है। अच्छा। आपके चैनल के माध्यम से और लोग सुनेंगे तो अच्छा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे। आप पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत काम करते हैं, हमने आपके सुने हैं कुछ फ्रैक्स, कमलनाथ के लिए भी आपने, तो कोई पॉलिटिकल वाला सुनाइए। जी जी बिल्कुल, पॉलिटिकल भी गाना रेडी है। मैं भी हूँ चौकीदार, मैं विकास का हूँ द्वार, मेरे कामों से ही होगी मेरे देश की जय जयकार। मैं चौकीदार सिर्फ डंडा नहीं दिखाता, सिर्फ पार्टी नहीं बचाता, खोटी बातें नहीं बनाता, जो भी है फॉलो सच करके दिखाता, दहाड़ता मैं शेर मैं नहीं गुर्राता, सामने से बात करे पीछे कुछ नहीं बोलता, सामने से ये बात करे पीछे वार नहीं करता, बदल रहा है भारत मेरा अब वैसे नहीं सोचता, देश के ऊपर आग उठा दी तो फिर ये नहीं छोड़ता, वंश के ना कोई बंदर हर बेटा है अभिनंदन, देश के लिए मर मिटने को हाथ मिले सब दिल धड़कन, मगर छोटा बुद्धि छोटी इनके लिए बात बड़ी है, अब जाके इन्हें समझ में आया दुनिया हमारे साथ खड़ी है। चलिए, तो ये चौकीदार के लिए आपने गीत गाया है, चौकीदार बड़े चर्चा में चल रहे हैं, मैं भी चौकीदार मोदी जी कहते हैं, और इन्होंने भी एक चौकीदार के लिए बनाया, बहुत अच्छा रैप है इसमें और इसके साथ इसको कंपोज किया है। निखिल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से, अगले राजू जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन जाते जाते हम राजू जी की गज़ल ज़रूर सुनेंगे क्योंकि गज़ल के बादशाह कहे जाते हैं राजू जी, और हम दर्शकों को अगर उनकी एक गज़ल न सुनाएं तो ये नाइंसाफ़ी होगी। अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, एक नजर मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है। क्या
क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये आप ही की कंपोजिशन है या? ये तो एक्चुअली रिकॉर्डेड है जी, और मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने। आपकी कोई कंपोजिशन जो पर्सनल हो? पर्सनल तो अभी ऐसा कुछ नहीं बनाया मैंने, बट हैं बहुत सारे अनरिलीज हैं। जी जी। मेरे एहसास के रेशों की हिफाजत करना। शायर का नाम है लक्ष्मी नारायण पयोधी, उनकी गजल है। मेरे एहसास के रेशों की हिफाजत करना, चाहने वालों मेरे फन से मोहब्बत करना। मेरे एहसास के रेशों की हिफाजत करना। तो देखा आपने कि एक ये इंस्ट्रूमेंट है और इसी में सब कुछ हो रहा था, और राजू राव जी की सुरीली आवाज़ को आपने सुना। बहुत शानदार गज़ल, भोपाल के ही शायर थे, उनकी उनके उनकी लिखी हुई गज़ल को इन्होंने अपने अंदाज में पिरोया है, उसको संगीत दिया। राजू जी, अब कुछ मैं आपसे स्टूडियो से रिलेटेड सवाल करना चाहूँगा। भोपाल शहर है, वैसे तो राजधानी है, म्यूज़िक का क्या स्कोप है यहाँ पर? म्यूज़िक का काफ़ी पहले बहुत कम स्कोप था, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है जी। काफ़ी सारी चीज़ें अब यहाँ पे होना शुरू हुई हैं, मूवीज़ बनना शुरू हो गए हैं, काफ़ी सारे सीरियल्स भी भोपाल में ही आजकल शूट होते हैं जी। इवन देखा जाए तो मुंबई से लोग यहाँ शूट करने के लिए आते हैं। क्या बात है, मुंबई से भोपाल। काफ़ी सारे मूवीज़ में आपने देखे होंगे भोपाल के कई सीन्स हैं, कई कई लोकेशंस हैं जो फिल्मों में दिखाए जाते हैं। मतलब स्कोप है भोपाल में, और नए नए मौके पैदा हो रहे हैं युवाओं के लिए, संगीत में युवाओं की रुचि बढ़ रही है, और इसीलिए इस पेशे में अब रौनक भी आ रही है। तो जो गंगा जमुनी तहजीब के लिए मशहूर ये शहर है, उस शहर के एक स्टूडियो में हम मौजूद थे, जहां हमने देखा कि ये स्टूडियो कोई राजनीतिक अपनी विचारधारा से अलग हटके भी सबके लिए काम करते हैं। ये कांग्रेस के लिए भी गाना गाते हैं, ये बीजेपी के लिए भी गाते हैं, और इनके पास अगर आप आएँ तो ये आपके लिए भी गाना गा देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, निखिल, राजू जी। और ऐसी ही सुरीली खबरों के लिए, सुरीले अंदाज के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़ का चुनावी कारवा जारी रहेगा। नमस्कार।